हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब। अब आपको मेरे हाथ में देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डाबर हनी। ये है शहद, और शहद के बारे में आपने एक चीज पक्का सुनी होगी कि शहद जो है ना कभी खराब नहीं होता। अपने दादा से, नाना से या किसी भी इंसान से आपने कभी ना कभी सुना होगा कि शहद को हम कितने भी लंबे टाइम तक रखें ना शहद खराब नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ये मुझे देख के थोड़ा वियर्ड सा लगा। देखो, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग, और ये देखो डेट है 1/6/2021, बट आज हो चुकी है कितनी, 30/7/2022। एक साल से ज्यादा हो चुका है, तो इसके हिसाब से बेस्ट वाला पार्ट इसका जा चुका है। बट शहद को हम मानते हैं कि शहद खराब नहीं होता। अब ये वाला शहद जो है, ये डाबर हनी जो है, ये कितना प्योर है, या मार्केट में जितने सारे शहद मिल रहे हैं वो सारे के सारे प्योर है या नहीं है? क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहद मिलते हैं। अब शहद तो मिलते हैं, शहद के बारे में आपने सुना होगा शहद हमें खाना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये बढ़ाता है। पर अगर शहद ही खराब हो तो फायदा का नहीं देगा, नुकसान भी कर सकता है। तो आज हमने वो सारे सारे तरीके अपनाने हैं टेस्ट करने के शहद को, जो नॉर्मल इंडियन घरों में अपनाए जाते हैं। तो जितने तरीके मुझे पता, जितने मैं गूगल कर पाया, सारे तरीके आज हम करने वाले। ये शहद रहेंगे हमारे पास। देखो मैं शहद दिखा देता हूँ। देखो, एक तो डाबर हनी है, ये भाई पतंजलि का हनी है, बाबा रामदेव वाला। और ये पता है ये कौन सा शहद है? ये वो है जहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है ना, बी कीपर रहते हैं, तो ये वो है। इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है, ऐसा शहद है कि जिस जो मधुमक्खी का शहद निकाल के देते ना तुरंत, ये वो वाला है। तो मैंने कहा उसके पास रखा हुआ था, मैंने कहा भाई आप भी दे दो। और फिर एक है यहाँ पे श्री श्री का, ये रहा। और ये है भाई हेल्दी लाइफ का, ये झंडो का है। इधर ये सफोला का है, और ये थोड़ा अलग है। ये पता क्यों अलग है? क्योंकि ये जंगली मधुमक्खी का शहद है। अब जहाँ से मैंने लिया था उसने ये बताया था, तो मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो अब देखो यहाँ पे चंबा लिख रहा ना, ये हिमाचल प्रदेश, ये पहाड़ों का शहद है। ये वाला जो है पहाड़ों से आया है। और ये जो है, इसके बारे में बता दो, ये जो शहद है ये सरसों का शहद है। सरसों का कैसे, आपने कभी ना कभी देखा होगा किसी ना किसी पिक्चरों में कि पीले पीले फूल होते हैं सरसों के खेत में, कोई रोमांस हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती है ना। बट हमें उससे मतलब नहीं है। वहाँ पे मधुमक्खी क्या होती है, जो सरसों के फूल होते हैं, मधुमक्खी बैठी, रस चूसा, और सारा का सारा जो शहद निकला ना, ये मक्खी अभी भी आ रही है, मधुमक्खी नहीं है पर। तो ये जो है सरसों के फूलों से बना हुआ शहद है। ऐसी लीची का भी बनता है, और कई सारे शहद बनते हैं। जहाँ से ये लिया है वो मुझे बता रहा था, तो मुझे भी इतना पता नहीं था। नई नई नॉलेज मिलती रहती है जब आपको देते हैं। तो आज हम टेस्ट करने वाले कैसे, ये देखो आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा यहाँ पर नैपकिन। अब हम क्या करेंगे, ये नैपकिन पे शहद डालेंगे सारे के सारे। अब क्या होता है, अगर हम नैपकिन के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी डलते ही फैल जाएगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ ना अभी, ये देखो, तो ये देखो मैंने हल्का सा यहाँ पे पानी लिया ग्लास में, और मैं अगर आपको अभी दिखाऊँ ना, तो देखो ये नैपकिन उड़ गया था। अब ये नैपकिन के ऊपर कुछ नहीं है, देखो मैं पानी हल्का सा डाल रहा हूँ, ये देखो पानी डालते एकदम फैल गया। अब ये तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा गिर गया, मैं कम पानी डालूंगा, देखना बहुत कम मैं पानी डालने वाला हूँ, बिल्कुल हल्की सी बूंद। देखो हल्की सी बूंद डाली और वो तुरंत फैल गया। अब वो फैला पता कितना, हर जगह पे नैपकिन के हर जगह पे पानी आ गया होगा। देखो इधर भी हर जगह पे नैपकिन पे पानी आ गया। बट शहद के साथ ऐसा नहीं है। शहद में अगर अडल्ट्रेटेड है ना, शहद में कुछ भी मिला हो, पानी मिला हो या कुछ भी ऐसा मिला होगा ना, लिक्विड ऐड करा होगा शहद के अलावा, तो वो ये चीज़ नहीं होगी। मतलब देखो अभी आपको पता चलेगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो देखो हर शहद के ऊपर मैं एक नैपकिन रख देता हूँ यहाँ पे। तो अभी हवा चल रही है तो थोड़ी दिक्कतें आने वाली है, बट मैं जितने नैपकिन हैं सब पे शहद डालूंगा थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले आ रहा है ये हिमाचल वाला शहद जो है, बहुत थिक है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये देखो, ये करके मैंने ऐसे रख दिया। तो और लास्ट में आता है ये जो बी कीपर से मैंने शहद लिया था, ये सबसे पतला शहद है जितने मैंने डाले ना, सबसे ज़्यादा मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें कुछ हो सकता है। बाकी अभी तक सारे शायद मुझे ठीक लग रहे हैं। और ये जो लाइटर है, लाइटर और माचिस से भी अभी कुछ काम होने वाला है। क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखो मैं माचिस ले रहा हूँ, ये वाली माचिस थोड़ी हल्की है, दूसरी वाली लेके आते हैं, दूसरी वाली माचिस दियो। तो अभी सारे के सारे नैपकिन पे यहाँ पे शायद आ गया, अभी थोड़ा वेट करते हैं, हमें एग्जैक्ट रिजल्ट पता चलेंगे। और ये देखो क्या है, माचिस की तिल्ली ली है मैंने सिंपल। अब इस माचिस की तिल्ली को, ये जो माचिस की तिल्ली ना, इससे एक चीज़ और करनी है। ये देखो जग में यहाँ पे पानी है, ये रहा, इस पानी में मैंने तिल्ली को यहाँ पे डिप करा, अच्छे से ये पूरा का पूरा भिगो लिया। और भिगोने के बाद मैंने तिल्ली को रख दिया यहाँ पे, ये देख रहे हो, इसके ऊपर एक थोड़ी सी बूंद हम डाल देते हैं, ये रहा। ऐसे हम शहद के साथ करने वाले, ये पानी के साथ करा है ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। और ये देखो मैंने शहद में इसको डिप करा, तो पूरी गीली हो गई ना, और गीली होने के बाद मैंने इसको रख दिया यहाँ पे ऐसे। बाकी मुझे ये देखो, तो देखो जितनी तिल्ली थी सारी की सारी माचिस की तिल्ली भी मैंने ऐसे सेट कर दी है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये पानी के ग्लास वाला लोगों से आपने बहुत सुना होगा, तो इस वाली चीज़ को भी हम करेंगे। पहले मैं क्या दिखा देता हूँ आपको, एक बहुत अच्छी चीज़ शहद के बारे में। शहद के बारे में क्या होता है, देखो
ये तिल्ली वाली प्लेट में अलग रख देता हूँ, ये रहा। अगर एक नॉर्मल सी प्लेट ली, देखो ये प्लेट है एक। अब मधुमक्खी का अगर आपने छत्ता देखा है, मधुमक्खी का छत्ता जब भी देखा होगा ना, तो वो हेक्सागन शेप में होता है, बहुत छोटे 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 डॉट होते हैं बहुत सारे, ऐसा होता है ना, वही छत्ता यहाँ पे बनने वाला है। कैसे? एक शहद से बन जाएगा वो। कैसे, क्या करना है आपको, बस यहाँ पे देखो मैंने शहद लिया और इस शहद को यहाँ पे डाल दिया, ये रहा शहद डाल दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना बस, ये देखो इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे भी पानी। देखो शहद के ऊपर जैसे मैंने पानी डाला, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और मैं बस इसको हिलाऊंगा अभी यहाँ पे। ये देख रहे हो आप शेप, ये हल्की हल्की आपको ध्यान से देखोगे ना तो दिखाई देगी, क्या पता फोन का कैमरा इसको पकड़ ना पा रहा हूँ, बट ये चीज़ जो है ना ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हेक्सागन शेप आपको दिखाई देगी शहद की जो बन चुकी है यहाँ पे। हीरा देखा आपने, हनी के बारे में, शहद के बारे में, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। अब मैं देख रहा था जब इसके बारे में कि कैसे कैसे टेस्ट करते था, मुझे पता चला, तो आपको भी पता चला होगा। अगर यूनिक चीज़ लगी है ना तो आप घर पे ट्राई करना, एक बार शहद लेना प्लेट में, थोड़ा सा पानी डालना और हिलाना। शायद यहाँ कैमरे में नहीं आए बट घर पर करोगे ना तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी, और जब दिख जाए तो वीडियो को वापस से आके लाइक जरूर करना और चैनल को लेना सब्सक्राइब, नहीं दिखे तो रहने देना। अब मैं जो बता रहा था, ये देखो ये तिल्ली पानी में डुबो के रखी थी हमने, और ये तिल्ली और बाकी तिल्ली को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अब देखना जो पानी में डूब के तिल्ली रखी थी, ये देखो मैं इसको, ये देखो हल्की हल्की सी धुआं निकला यहाँ पे, हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा धुआं निकला, बट जो तिल्ली है वो जली नहीं, बिल्कुल नहीं जली। अब लेते हैं शहद वाली। सबसे पहले शहद वाली कौन सी हमारे पास, ये जो है ये हिमाचल वाला शहद जो था, देख रहे हो ये रहा शहद भी यहाँ से ऐसे टपक रहा है, ये टपका शहद। तो शहद जो है वो तिल्ली को भिगो नहीं पाया, हिमाचल वाली यहाँ पे जीत गई। अब आती है दूसरी बारी किसकी, सफोला की। ये देखो शहद अभी भी लगा हुआ है, ये रहा। और ये देखो यहाँ पे भी जल गई तिल्ली, हीरा। अब आती है दूसरी बारी, ये कौन सा, झंडू का, झंडू वाली तिल्ली। ये देखो शायद अभी भी लगा हुआ यहाँ पे, और ये रही, ये देखो जल गई तिल्ली, हीरा। तो ये चीज़ भी एकदम यूनिक लगी होगी, आपको पता भी नहीं होगा कि शायद में जाने के बाद तिल्ली ऐसे जल सकती है। अब लेते हैं कौन सा, ये हेल्दी लाइफ, ये हेल्दी लाइफ है, और हेल्दी लाइफ को हम यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब होता क्या, इसके ऊपर जो शहद आ रहा है ना, तो इसलिए मुझे कई सारी माचिस रखनी पड़ रही है। तो ये भी एकदम सही है, तिल्ली पूरी, हाँ तिल्ली यहाँ पे पूरी नहीं जली है। देखो तिल्ली थोड़ी सी जली और थोड़ी सी बंद हो गई यहाँ पे, तो मे भी तिल्ली में दिक्कत हो या कुछ भी, बट यहाँ पे जो है हेल्दी लाइफ वाली तिल्ली पूरी नहीं जली है अभी तक, सिर्फ ये एक तिल्ली है जो पूरी नहीं जली। अब आती है कौन सा, ये श्री श्री का तत्वा, हीरा। ये भी तिल्ली पूरी भीगी हुई है, और ये देखो माचिस की तिल्ली पूरी जली है यहाँ पे। अब आता डाबर हनी, डाबर हनी में हमने नीचे रखी थी, हीरा यहाँ पे डुबो के रखी थी, हीरा डाबर वाली भी पूरी की पूरी यहाँ पे तिल्ली जो है जल चुकी है। अब आता पतंजलि बाबा रामदेव वाला, और इसको देखते हैं, ये भी एकदम भाई पूरी की पूरी यहाँ पे तिल्ली जली है। तो तिल्ली वाले टेस्ट में तो ऑलमोस्ट सारे शायद पास हो रहे हैं। अब ये वाला जो लोकल वाला शायद है, लोकल वाला मतलब जिसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं हुई है, इसमें भी तिल्ली थोड़ी सी जो है बुझी हुई रह गई, ये देख रहे हो ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो यहाँ पे दो शायद है, एक ये वाला था और एक ये, जिसमें तिल्ली पूरी नहीं जली है। तो तिल्ली वाला टेस्ट हो गया। अब ये नैपकिन वाला जो मैं बता रहा था ना आपको, ये देखो नैपकिन वाला क्या होता है। अब नैपकिन में देख रहे हो कि किसमें कितना फैला है, ये शायद है। अब आप अपने आप आइडिया लगा लो कि किसमें कितना ज़्यादा फैला है, पानी होता तो पूरा फैल जाता, शायद यहाँ पे आ गया। और एक चीज़ और दिखाता हूँ क्या रहता है अगर हम इसको जलाएंगे ना, गोली धराइयो इसको ऐसे पकड़, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे जलाता हूँ, ये जल रहा लाइटर, ये देखो शायद ऊपर से गर्म होना शुरू हो जाएगा, देख रहे हो ऊपर पेपर नहीं जल रहा, ये रहा इधर की तरफ से पेपर जल गया, पर जहाँ शहद था वहाँ से नहीं जला, देख रहे हो आग कहाँ लगी है, पर जहाँ शहद था वहाँ पे आग नहीं लगी है। अब ले लेते हैं दूसरा सफोला, सफोला वाले में भी ये देखो खुद लगा लो कि ज़्यादा नहीं फैला है, और इसको जला के देखें, ये देखो ऊपर से, हवा चल रही है यार,
तो ये आग नहीं लग रही है, इसमें भी आग नहीं लगी। अभी आता है झंडू की बारी, तो झंडू वाला शहद भी देख लो, ये रहा कितना फैला है कितना नहीं फैला, ये आपको पता चल जाएगा। और आग लगा के भी देख लेते एक बार, पकड़ो। ये देखो ऊपर से शहद ऐसे उबलना शुरू हो जाएगा। लाइटर चेंज, बंदूक वाला लाइटर। कुछ फर्क पड़ रहा है? उबल रहा है ना शायद, देखो ये रहा, दिख रहा होगा, बट पेपर नहीं जल रहा है ये रहा। तो यहाँ पे पूरी तरफ पास। अब आता है हेल्दी लाइफ वाला। ये देखो पहले फैला कितना है देख लिया, और अब जला के देखते हैं। भाई आग जो लगी है वो शहद में नहीं लगी, पेपर में लग रही है। आग जब भी लगेगी ना पेपर में लगेगी, क्योंकि जब पानी होता, पानी का क्या होता है, पानी को हीट करते तो पानी उड़ जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको देखो क्लियर दिख रहा होगा, जो शहद वाला हिस्सा है ना वो बचा, बाकी पूरा पेपर यहाँ पे जल चुका है। अब आता है श्री श्री वाला। ये देखो फैल तो लगभग बराबर ही रहे हैं, बट पानी की तरह नहीं कि पूरे फैलते चले जाए। इसमें भी शहद उबल रहा है, डाबर। तो ये आई भाई डाबर की बारी। ये देखो डाबर का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हल्का सा ज़्यादा फैल गया, मे भी मुझे ही लग रहा हो क्योंकि इधर की तरफ से मैं देख रहा हूँ ना, बट कोई नहीं, देखते हैं, आग लगा के देखते हैं, पता चल जाएगा। नहीं शहद उबल रहा, देख रहे हो ये जो है ना शहद उबल रहा है यहाँ पे, ये देखो। और पेपर में आग लग गई। और अब आता भाई पतंजलि बाबा जी वाला, लो पकड़ो। हाँ मैंने ये नहीं दिखाना इसका पैच कितना गया, ये देखो ये है रामदेव वाला पतंजलि का जो है। तो इसमें भी शायद उबल गया ये रहा। और ये तो कुछ ज्यादा ही फैल गया ये रहा, इसमें लग रही है भाई मुझे गड़बड़। जो था ना जहां पे मधुमक्खी पालन था वो दे रहा था, मुझे लग रहा है उसने कुछ पागल बना दिया, सरसों का शहद कह के ये कह के वो कह के, इसमें कुछ है। या फिर मेन पता है क्या रीजन है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो शहद है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जम चुका है नीचे। क्या होता है अगर आपने कहीं भी सुना हो कि अगर शहद जम जाए तो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। शहद की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, अगर शहद को फ्रिज में रखोगे ना तो यही शेप मिलेगी। तो क्रिस्टलाइज होना शहद की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि शहद खराब है। अब बाकी सारे जितने हैं ना, जितने भी शहद हैं, ये सब शहद फिल्टर्ड किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेस से गए हैं, बट ये अनप्रोसेस्ड है। ये वाला शहद किसी प्रोसेस से नहीं गया, एकदम प्लेन शहद है। तो मे बी इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बाकी कुछ नहीं पता यार। उबल रहा है ये देखो, ये वाला भी उबल रहा है। और सबसे अलग बात पता है क्या, ये इकलौता ऐसा शहद है, अब तक कितने सारे हमने पेपर पे शहद लगा के ऐसे जलाने की कोशिश करी है, सारे शहद उबले, बट अकेला ये एक शहद है
जिसमें सबसे अलग स्मेल आई है। इसमें मुझे स्मेल आई है, जब भी चल रहा था ना, ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं खराब स्मेल आई, कुछ एक फ्लेवर जैसी स्मेल आ रही है इस वाले में। ये नेचुरल था, जैसे मैं बता रहा हूँ सरसों का शहद है, तो इसमें कुछ ना कुछ स्मेल आई है, बाकी किसी शहद में मुझे कोई स्मेल नहीं आई। अब आती है एक लास्ट टेस्ट। लास्ट टेस्ट कौन सा होता है, कि जो आप बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर पे बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या लेना है, ग्लास लेना है। हर शहद के आगे एक ग्लास रखेंगे हम। तो अब देखो सारे ग्लास में पानी आ गया। अब हमें टेस्ट करना क्या होता है, जो शहद है ना, शहद बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, कि जब हम उसको पानी में डालेंगे ना तो एकदम से घुलेगा नहीं। जब तक हम उसको चम्मच से मिक्स करेंगे तभी जाके वो मिलेगा। अगर मैं पूरा शहद ऐसे डाल रहा हूँ तो पूरा का पूरा ऐसे जाएगा लहर सी बनती हुई और नीचे बेस में जाके बैठ जाएगा। अगर वो घुलना शुरू हो जाता तो मतलब शहद में भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कॉर्न सिरप पानी या कुछ ना कुछ इसमें मिलाया। अगर बिल्कुल आराम से जाके बैठ रहा है या हल्का सा भी डिसॉल्व नहीं हो रहा तो एकदम प्योर है, थोड़ा सा भी डिसॉल्व हो जाता तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये हिमाचल वाला शहद जिसको बता रहा हूँ मैं, ये देखो एक चम्मच शहद लिया और ये मैंने डाला, ये देखो। सफोला, अब लास्ट में आता है यहाँ पे जो देसी वाला, जिसको मैं बता रहा हूँ अनब्रांडेड अनप्रोसेस्ड एकदम सिंपल शहद। इसमें देखना कुछ फ़र्क है क्या, क्योंकि बाकी सबसे पतला है। और ये देखो, हाँ इसमें फ़र्क लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है। ये देखो जैसे मैंने इसको डाला ना, अब आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि पानी में इसने घुलना शुरू कर दिया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क है। अब मैं सारे के सारे ग्लास उठाऊंगा और आपको खुद डिसाइड करना, अब आप ही लोग डिसाइड करेंगे कौन सा शहद बिल्कुल सही है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो है, ये वाला देखो, ये जो शहद है आप इसको देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। शहद तो नीचे बैठ चुका है, इतना घुला नहीं है, पर थोड़ी सी इम्प्योरिटी से मुझे लग रही है। अब आता है नेक्स्ट सफोला वाला, ये देखो ये एकदम क्लियर, इसमें मुझे कोई भी इम्प्योरिटी वगैरह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम साफ लग रहा है मुझे। इसके बाद आता अभी ये झंडू, ये भी काफ़ी साफ है, ये रहा, बहुत साफ लग रहा है कि घुला नहीं है पानी में। और अब आता ये हेल्दी लाइफ, ये भी काफ़ी हद तक साफ है, ये रहा, इसको मैं नहीं कहूँगा कि घुल चुका है। और अब आता श्री श्री, ये रहा, ये देखो श्री श्री ज़्यादा साफ लग रहा है बाकी सबसे जितने मैंने उठाए अब तक, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका रीज़न पता क्या है, जो इसका शहद है ना, ये देखो शहद का अगर आप कलर देखेंगे तो शायद आपको समझ आए कि इसका शहद काफ़ी गाढ़ा है बाकी सबसे। ये देखो कांच की बॉटल है, ये प्लास्टिक की बॉटल है, ये जो बॉटल है प्लास्टिक की, प्लास्टिक में होने के बावजूद इतना डार्क दिख रही है, तो मे भी इसका शहद का कलर काफ़ी डार्क है इसलिए थोड़ा लग रहा हो, बट मुझे काफ़ी सही लगा ये वाला श्री श्री। और अब आता डाबर वाला, ये देख लो, ऐसे कर लो, ऐसे करना था ना, ये देखो ये रहा डाबर वाला, ये भी काफ़ी सही है, घुला नहीं है शायद। अब आता है भाई बाबा जी वाला, रामदेव वाला, ये रहा, ये हल्का सा घुला है, बहुत माइनर सा, बहुत जरा सा, ये देखो इतना नहीं है कि पता चल जाए, बाकी सब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना कि बाकी सब है तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। अगर मेरे पास और कोई शायद ना होना तो मैं शायद नहीं बता सकता कि किस में घुला है और किस में नहीं। अब इसको तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, देखो आप समझ ही रहे होंगे, ये देखो देख रहे हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई हमने टेस्ट कर लिया सारे के सारे शहदों का, और मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं करने वाला, डिसाइड करने वाले हैं आप लोग, आप लोग ही तो मेन हो यार, आप ही लोग सारा का सारा आंसर करोगे। तो मैंने अपना बता दिया, जो मुझे सही सा लग रहा था वो ये वाला लग रहा है, बाकी सारे कई सही से लग रहे हैं। अब आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा शहद अच्छा है, आपको कौन सा लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, कैसा टेस्ट करता है, वो सब आपके ऊपर है। क्योंकि शहद इतना मीठा है कि मैं डिफरेंस बता नहीं पा रहा, सिर्फ इसके अलावा इसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, बाकी सारे टेस्ट जो है ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। तो यहाँ पे हनी टेस्टिंग की वीडियो होती है खत्म। अगर आपको आता है मजा तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते रहे यार तो हमारा मन करता है और बहुत सारी वीडियो बनाने का, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम क्या करते हैं अभी, ये घोल लिया, ये आपको भी करना चाहिए भाई, शहद वगैरह से पानी में घोल के पी लो,
बहुत फायदा करता है। तो हम तो शायद पीते रहेंगे, आपसे मिलेंगे दोबारा नए वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।